नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश्वर और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र धुलिया शिंदखेड़ा तहसील के डोंडाईचा शहर में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जुलूस निकाला गया था। सुबह करीब 10 से 10:30 बजे के आसपास ये जुलूस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास पहुंचने के बाद बताया जाता है कि विवाद दो समूहों के बीच मौखिक विवाद और उनमें से कुछ द्वारा सुतली बम फोड़ने से विवाद भड़का, लिहाजा मौखिक टकराव पथराव विवाद में बदल गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास पथराव की खबर शहर में हवा की तरह फैल गई। इसके बाद मंडाली अस्पताल और DRI हाई स्कूल के पास करीब एक घंटे तक पथराव होता रहा। इस पथराव में डॉक्टर अनिकेत मंडाली उनका चार पहिया वाहन का बुरी तरह से नुकसान किया गया है और शहर में अन्य वाहनों का भी नुकसान किया गया। इससे शहर में काफी तनावपूर्ण माहौल बन गया। इस घटना की जानकारी मिलने पर डोंडाईचा पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक किशोर कुमार परदेशी के साथ पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घटना की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए धुले के अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल को डोंडाईचा की ओर रवाना किया गया। वहीं पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में रखते हुए शांति बनाए रखने की अपील की। पथराव के कारण सड़क पत्थरों से भर गई। पथराव के कारण कई लोग घायल हो गए हैं। शहरवासी किसी भी अफवाह में न आए, ऐसी अपील शिंदखेड़ा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक जय कुमार रावल और जिला पुलिस अधीक्षक श्रीकांत धीवरे ने की। और जिला पुलिस अधीक्षक श्रीकांत धीवरे ने कानून को अपने हाथ में लेने की कड़ी कार्रवाई करेंगे और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसी चेतावनी दी है। जगत न्यूज 24 महाराष्ट्र धुलिया डोंडाईचा से प्रमोद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। नमस्कार। डोंडाईचा शहरामध्ये काही ठिकाणी अशी अफवा आली की काही वाद झाले किंवा हे झाले, जे काही विषय असतील आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे की गावामध्ये शांतता टिकली पाहिजे। सगळ्याही गटांना, सगळ्या लोकांना कृपया शांतता ठेवा अशी आपल्या सगळ्यांना नम्र विनंती आहे। सणांमध्ये आपण सगळ्यांनी प्रेम आणि बंधुभावाचं वातावरण ठेवलं पाहिजे आणि म्हणून सगळ्यांना विनंती आहे की शांतता राखा। कुठलं तरी वक्तव्य ज्याच्या माध्यमातून काही चुकीचं होईल असं कोणी करू नये। आणि विशेषतः राजकीय लोकांना विनंती आहे की राजकारण करायला तुम्हाला बराच वेळ आहे, निवडणूक येईल तेव्हा करू, पण ह्या गावाला पेटोपेटो करू नका। आमचं डोंडाईचा हे सुख शांती आणि प्रेमाचं गाव आहे, इथे सगळे प्रेमाने राहतात आणि प्रेमाने राहू द्या। म्हणून आपण कुठल्याही प्रकारचं राजकीय त्याच्यामध्ये रंग आणू नये, ही सगळ्यांना आग्रही विनंती वजा सूचना। आपण या गावामध्ये सगळ्यांनी, तमाम लोकांनी शांततेसाठी प्रयत्न करावे असं नम्र विनंती। आणि कुठल्याही प्रकारच्या अफवांना बळी न पडता आपलं दैनंदिन जीवन शांततेने चालू द्या, एवढीच विनंती। आम्ही सारे लोक आपण गावाचे एकत्रित आहोत आणि प्रशासन आपलं काम करेल, आपण निश्चिंत रहा। धन्यवाद। दगडफेकीची घटना आज ईदच्या विरोधात वगैरे झालेली आहे। परिस्थिती सध्या शांतता आहे। आम्ही पेट्रोलिंग देखील मोठ्या प्रमाणात वाढवलेले आहे। मी देखील स्वतः डोंडाईच्यामध्ये कॅम्प करून आहे। सगळ्या नागरिकांना आणि दोन्ही गटाच्या यांना सांगण्यात येतं की कुठल्याही प्रकारच्या अफवांवर आपण विश्वास ठेवू नये। कोणीही, आय रिपीट, कोणीही कायद्यावर सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला तर अत्यंत कठोर पद्धतीने त्याला हाताळण्यात येईल, एवढंच मी त्यांना सांगतो। सध्या शांतता आहे, इथून पुढे देखील काहीही होणार नाही, याची दक्षता पोलीस सर्वतोपरी घेत आहे। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहे जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।